वार्ड नंबर 18 की सपा प्रत्याशी उज्जैन क्रांति, जिनका क्षेत्र जुन्नलगंज है, सज्जन क्रांति एक ईमानदार अच्छे पार्षद प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि हमारे वार्ड में छोटी छोटी बहुत सी कमियां हैं, जैसे सफाई को लेकर, बंदरों को लेकर, पानी को लेकर। इन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए सज्जन क्रांति नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे वह अपने वार्ड की जनता को मीठा पानी, सफाई और बंदरों से निजात दिला सकें और भी नगर निगम के कार्य हैं, बाकी सुविधाओं को जनता तक पहुंचा सकें, बस उनका यही उद्देश्य है। पार्षद जी, क्या नाम है, कौन से वार्ड से प्रत्याशी हो और किस पार्टी से हो, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरा नाम सज्जन क्रांति है और ये वार्ड नंबर 18 है, जनरलगंज क्षेत्र। यहाँ से हम लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इस बार पार्षद का चुनाव। अच्छा, जनता के बीच में आप जाते हो तो क्या उम्मीदें नजर आती हैं आपको, और जनता में अगर आते हो तो कितने परसेंट आप कार्य कराओगे जनता अगर आपको चुनती है? देखिए, जनता अगर हमको चुनती है तो कोशिश करेंगे हम जनता की भावनाओं पर और उनकी उम्मीदों पर सब खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। रही बात काम कराने की, जब वार्ड में प्राथमिकता क्या रही जी, मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं कि वार्ड में जब हम जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनसंपर्क के दौरान हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है, मीठे पानी की, सफाई की और सड़क की, ये मुख्य समस्याएँ आ रही हैं। कितने समस्या आ रही हैं सर? ये अभी हमने ये समस्याएँ तो लगातार हैं, 5 साल से, उससे पहले से भी है, उनका निदान नहीं हो पाया है, ये परिस्थितियाँ दूसरी है। मैं आपको बता, अब हमसे सवाल ये होना चाहिए कि इनका निदान कैसे किया जाएगा। हम यहाँ पर एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि सफाई की जो समस्या है, वो सफाई की समस्या यहाँ पर इसलिए है कि अनुपात में जनता की जितनी तादाद है उसके हिसाब से कर्मचारियों की कमी है नगर निगम के, बिल्कुल निश्चित रूप से। यहाँ आपको 100 लोगों की सफाई के लिए 3 कर्मचारी चाहिए हों तो आप उनको 150 और 200 लोगों की सफाई करेंगे तो 3 कर्मचारी कैसे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सदन में पहुँचते हैं तो सबसे पहले कदम यही उठाएंगे कि सफाई कर्मियों की तादाद बढ़ाई जाए, जिससे कि सफाई की व्यवस्था को सुधारित किया जाए। मीठे पानी की अगर बात करें हम, तो मीठे पानी की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि अगर बंगाली घाट पर जो नवल नलकूप है अगर बुना हो तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाए। नलों में खारे पानी की जगह जगह नलकूप लगाकर सप्लाई की जा रही है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आरओ के पानी की सप्लाई बढ़ गई है। अगर मीठा पानी होता तो आरओ के पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम नगर निगम से ये बात भी करेंगे कि भैया आप टैक्स लेने के बावजूद भी जनता को मीठा पानी नहीं दे पा रहे, ये बहुत खेदजनक है। इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग जब जल कर ले रहे हैं तो उनको जल भी मुहैया कराएं, स्वच्छ जल मुहैया कराएं, पीने योग्य जल मुहैया कराएं, तो इसको ये आवाज़ उठाएंगे। मैं सड़कों की बात कर रहा था, सड़कों की समस्या कुछ इस तरह की है कि बाढ़ में जो हमारे नाली खरंजा फर्श होते हैं और सड़कें जो होती हैं वो जैसे ही बनती हैं उसके बनने के 2-3 महीने बाद खोदने वाले आ जाते हैं जी। ये एक बहुत विकट समस्या है, जबकि होना उल्टा ये चाहिए कि पहले सड़क बन खोद जाए उसके बाद में बन जाए। हमारी बनी सड़क खोदी गई, उसकी रिपेयरिंग ढंग से नहीं हो पाई, इस कारण से सड़क लंबी नहीं चल पाती। सड़क को लंबी चलने के लिए ज़रूरी है कि पहले जो खुदाई का कार्य उसका हो जाए, जो कार्य उसके होने, सड़क के अंदर जो काम होने वो हो जाए, उसके बाद वो बन जाए। निजात मिल सकता है? देखिए, बंदरों के लिए पिछली बार भी हम देख रहे थे कि तरह तरह के वादे किए गए, इसके लिए हम समझते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है, क्योंकि बंदरों की जो संख्या है वो आदमियों से ज़्यादा है। हम समझते हैं जो व्यक्ति है बाढ़ में हमारे में, उनसे ज़्यादा बंदरों की संख्या होगी, बिल्कुल, और उनके उत्पाद को हम ये देखते हैं कि घरों में लोग कैद होकर रह गए। निश्चित रूप से इसके लिए कोई ना कोई योजना हम लोग मिल बैठ करके जब सदन में पहुँचेंगे तो अपने सम्मानित सदन के साथियों के साथ और जो हमारे पार्ट महापौर जो भी बनेंगे उनके सामने समस्या को जोर शोर से उठाएंगे, इतना प्रेशर बनाएंगे कि उनको मजबूर करेंगे कि इन बंदरों से निजात दिलाने के लिए वो कोई ना कोई प्लान तैयार करें। और क्योंकि ये ऊंचे स्तर की बात है, अगर वार्ड पार्षद के हाथ में होता कि वो बंदरों के लिए कोई प्लान तैयार कर दे, हाँ आवाज़ उठा सकता है वार्ड पार्षद, तो 70 के 70 वार्डों के पार्षद जब ये आवाज़ उठाएंगे कि बंदरों की समस्या से निजात दिलाई जाए, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो शासक प्रशासन है और वार्ड के महापौर है निगम के, वो निश्चित रूप से इस बात की ओर सोचेंगे, तो हम आवाज़ उठाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप पार्षद जी अपने वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहूँगा? मैं वार्ड की जनता से यही कहूँगा कि चुनाव चल रहे हैं और लालच, प्रलोभन इत्यादि आपको दिए जा सकते हैं। आप जानते हैं वोट की राजनीति कितनी ख़राब हो गई है, जनता का जो सच्चा हितैषी है और जो सही प्रतिनिधि है, जिसको सही मायने में वार्ड की जिम्मेदारी हमें देना चाहिए, ये देख कर कि आप दें। और इसके लिए मैं स्वयं बहुत बड़ा दावेदार, मैं स्वयं के लिए भी कहूँगा कि मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है और मैं ये करके दिखाऊँगा, बड़े दावे के साथ इस बात को कहता हूँ।
तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे चुनाव क्षेत्र साइकिल को ना भूलें और हमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जब यहाँ पर मैदान में है तो जिता करके भेजें। और निश्चित रूप से आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है हम उनको बहुत हद तक समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी अच्छा कौन से नंबर की बटन है आपकी ईवीएम में? हमारी ईवीएम में 5 नंबर पे हमारा बटन है, चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल है, सज्जन कुमार उसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। बहुत धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय देकर के मुझे इसके लिए मेरा नाम सेलेक्ट किया कि मेरा यहाँ पर बाइट की जाए, मेरा इंटरव्यू किया जाए। मैं आपके दोनों मीडिया चैनलों को थैंक यू। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा ऐसे लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। डेडिकेशन 100%, मोटिवेशन 100%, कितना भी करे क्यों है 70? कल करे। कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन्स और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रीडेन डेली, यानी ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडेन।